नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षरा सिंह के कुछ उठाए गए सवालों के बारे में। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, अक्षरा सिंह एक लाइव वीडियो जारी करती हैं और वीडियो लगभग 16 मिनट का होता है, लेकिन 16 मिनट में बात करने का तरीका इतना औसम था कि उन्होंने दो बात कही। पहला था ये कि मेरे समय यानी कि अक्षरा सिंह के समय जब नीलकमल सिंह ने गाना गाया था ले जाके कोपचा में खियाला चना चूर, उस समय अक्षरा सिंह का किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, नीलकमल सिंह ने यह गाना गाया था। दूसरा मामला ये हुआ कि अक्षरा सिंह ये कहती नजर आई कि सभी लोग बरसाती मेढक बने हुए हैं और सब लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, मतलब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के इस मामले से और जितने भी लोग आ रहे हैं लाइव उनका चेहरा चमक जाएगा। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं अक्षरा सिंह के बारे में और आपको बताते हैं कि ये लाइव में किस तरीके की अनसुनी बातें और बिन लॉजिकल बातें कर रही थी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। अक्षरा सिंह जरा ये बताइए कि आप ये बात बोल रही हैं, यानी आप ये बात बोल रही हैं कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। हर कोई अपने आप में बड़ा बनता है, हमने बना दिया। नहीं, सच्चाई यही है। मुझे गाने का ए भी नहीं आता था, सच बताऊं तो अभी भी नहीं आता है, सब इनका देन है, जबरदस्ती। अक्षरा सिंह ने अपने लाइव वीडियो में कहा कि कहां गए वो वेद के ज्ञाता और भोजपुरी के रक्षक, कि एक समय वो भी था जहां एक लड़की को बेआबरू करने के लिए सब के सब लग गए थे। एक टुटपुंजिया कलाकार जिसने गाना गाया था बंद कमरे में, वो वीडियो वायरल हुआ था, तब कहां थे? तब आपके भोजपुरी का संस्कार लेके कहां थे? तब आपके भोजपुरी का वजूद लेके कहां थे आप लोग? अरे हली पकल हो ये बनैला करी ने कपूर पवन भैया हो। शेमलेस मैडम, हम आपको एक बात बताते हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जब लड़ाई हुआ तो उस समय कुछ ही लोग सामने आए। सामने आने वाले में थे पहला मीडिया, दूसरा हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर और तीसरा जनता। इसमें पवन सिंह का पलड़ा भारी नहीं था। जनता ने जो सही समझा, जो सही देखा, वही जनता ने फैसला लिया। और आपको ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह का पलड़ा भारी है इसलिए सब लोग वहां पे चले गए। वो भी देख रहे हो कि जहां पलड़ा भारी है वहां घुस जाओ। वाह जियो शेर। ऐसा नहीं है मैडम, इसमें सिर्फ जनता थी, ऑडियंस थे और जो लोग लड़ रहे थे वही दोनों लोग थे। पहले पवन सिंह आके बोले, उसके बाद खेसारी लाल बोले और उसके बाद पवन सिंह बोले, दैट्स इट। लेकिन अब आपको जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप तो काम में व्यस्त रहते हैं, मुद्दे को तो जानते नहीं हैं, आप तो आगे सीधे लाइव में बड़बड़ा देने से तो कुछ होता नहीं है। हम आपको बताते हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए नहीं, हम आपको बताते हैं। समर सिंह लाइव आए पवन सिंह के लिए नहीं, वो अपने लिए लाइव आए कि हमको कोई कैसे बोल सकता है 5 लाख का औकात वाला और पता नहीं वो क्या क्या कह रहे थे। भोजपुरी दुनिया में खेसारी लाल यादव का 5 लाख के औकात नहीं। अब बात करते हैं रितेश पांडे के बारे में। तो रितेश पांडे का भी अपना निजी मैटर था, वो रिमोट वाली बात। अरविंद अकेला कल्लू, उनका भी अपना निजी पर्सनल मैटर था। और खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के किसी ऐसे सुपरस्टार पे ऐसी टिप्पणी नहीं की है, ऐसी बात नहीं की है जिसके वजह से वो आदमी इनसे चिढ़ा हुआ रहे। अक्षरा जी, आज ना आप ये बात कर रही हैं खेसारी लाल यादव ये हैं तो वो हैं तो दिस है तो डैट है, लेकिन आपका भी विवाद खेसारी लाल यादव से हो चुका है और आपको ऐसा लगता है कि पवन सिंह के लोग सपोर्ट में आके बोल रहे हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। रितेश पांडे का अपना मैटर था, समर सिंह का अपना मैटर था, अरविंद अकेला कल्लू का अपना मैटर था, पवन सिंह खुद थे ही, तो ये लोग तो आएंगे ही लाइव। एक विवाद में 10 आदमी के नाम लेके गाली दीजिएगा तो 10 आदमी नहीं आएगा। एक बात आपने भी देखा होगा, मनोज टाइगर यानी कि बतासा चाचा, इन्होंने पहले बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था खेसारी लाल यादव का, क्योंकि कैमरा के सामने और दिखावटी नकल मनोज टाइगर को भी बहुत अच्छे से पसंद आई थी और उन्होंने एक सपोर्ट में वीडियो बनाया था खेसारी लाल यादव के कि यही खेसारी लाल यादव हैं जो लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जब सच्चाई दिखा बतासा चाचा को, 5 लाख के औकात नहीं के, 35 लाख से ऊपर तो सिनेमा के अभिनेता मुझे, तब बतासा चाचा ने भी ऐसी ऐसी बात आके बोली और यहाँ तक खेसारी लाल यादव को माफी मांगने तक की हिदायत भी दे दी। तो गलती किसकी है अक्षरा जी, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है, ये कहना कि 5 लाख रुपया से ऊपर कोई नहीं है, ये कौन सी बात हुई? तब तो हमको कहेंगे कि 25,000 वाला एक्टर है, फिर तो हम लोग कहीं गिनती में नहीं है।
पैसों से तो पहली बात किसी का मूल्यांकन करना अनर्थ है। सब जने कहते ना अंदर लेके जाए कि फिर जीवन बिता दे तार लोग के, उसके लिए दो चार पाँच दस बीस पच्चीस लाख रुपया खर्चा कर दे बाबू। उस वीडियो बनाने का मेन मुद्दा जो था वो आपको कंट्रोवर्सी में आना तो वो आप आ चुकी हैं, गाना भी ट्रेंडिंग में चला गया है, दिस इज नॉट अ बिग डील। लेकिन हम आपको जो बात बताते हैं वो समझिए, जो आप सच्चाई जानना चाहती हैं कि मेरे मामले में कोई नहीं आया, आपका मामला किससे था? नील कमल सिंह से था। नील कमल सिंह के विवाद में आपको जो चाहने वाले हैं, पवन सिंह ने आपने झगड़ा कर लिया, खेसारी लाल यादव से आपकी बनती नहीं थी, दिनेश लाल यादव निरहुआ इसमें रहते नहीं हैं, मनोज तिवारी नेतागिरी में हैं, रवि किशन अपना काम करते हैं, तो आपको किसी से बनेगा नहीं। आप अब आए कि अब सब लोग मेरा सपोर्ट करने लगे तो कहाँ से करेगा। लेकिन फिर भी रानी चटर्जी ने आपका सपोर्ट किया और उस तरीके के बहुत सारी हीरोइनें आपका सपोर्ट की और आपके पोस्ट के नीचे ऐसी ऐसी कमेंट की जिससे नील कमल सिंह को शर्म आनी चाहिए अगर उन्होंने गाना गाया होता तो। आपने जाके FIR भी किया, आप काहे नहीं FIR किए, आप काहे नहीं जेल में डलवा दिए? ऑडियो सॉन्ग तो था ही, डलवा देते जेल में तब पुलिस कहा होगा कि नहीं सबूत लेके आई, आवाज़ तो कोई निकाल सकता है, वही लोग बाकी लोग भी समझे होंगे। जब तक वीडियो प्रूफ नहीं आता है, जब तक सामने कोई चीज़ नहीं आता है, हम कुछ बोल देंगे आप विश्वास कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको चाहिए सबूत, और सबूत के तौर पर सिर्फ कॉल रिकॉर्ड होने से कानून सबूत नहीं मानता। इसलिए नील कमल सिंह को एक घंटे का भी जेल नहीं जाना पड़ा और ना पुलिस ने आगे पूछताछ तक किया। और आप इतने बड़े की सुपर स्टार है तो उनको भिजवा देती जेल, क्या जरूरत है सपोर्ट का? देश में कानून व्यवस्था है, देश में पुलिस प्रशासन है, काहे के लिए है? लोग के सपोर्ट के लिए है। अक्षरा सिंह को जब बहुत अच्छे से पता चल गया कि चलिए कंट्रोवर्सी में रहने से बड़ा फायदा होता है भैया, मतलब समझिए कि हम तहलका मचा सकते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे का पोस्ट डाला जो कि पवन सिंह के साथ कभी कभी नजर आते हैं, और हमने अगर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो ये पवन सिंह के भाई हैं। अगले ही पोस्ट में इन्होंने लिखा, आज तक तुम्हें एक गाना पवन सिंह ने नहीं गवाया है। तो फिर उसके पोस्ट पे इस तरीके का रिएक्ट करने का क्या जरूरत था मैडम? उस लड़के ने पोस्ट इसलिए डाला था क्योंकि वो खेसारी लाल यादव को टारगेट करना चाहता था, उसके लिए दो चार पाँच दस बीस पच्चीस लाख रुपया खर्चा कर दे बाबू। हो सकता है वो पवन सिंह का फैन हो सकता है खेसारी की वो बातें जो 20-25 लाख में किसी गरीब के खानदान को लपेट देने की जा रही हो, उस बात को वो इतना ज़्यादा गहरा दिल पे ले लिया हो, जो आज उस बात की भड़ास निकालना चाहता हो, और इसलिए वो 20-25 लाख का बात बोला और उसमें एक इमोजी भी लगाया जिसको आप बखूबी बहुत अच्छे से समझती थी कि वो किसके लिए डाला गया है। लेकिन आपको करना था कंट्रोवर्सी और आपने धड़ाधड़ दो पोस्ट पेल दिया ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और गाना नंबर वन ट्रेंडिंग में आ जाए। भगवान करे ट्रेंडिंग में आए, भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जो संस्था जो बातें जाननी चाहिए थी वो हमने आपके समक्ष रखा। आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पोस्ट को इतना शेयर कीजिए ताकि इन महारानी के पास भी चला जाए बात और इनको समझ में आए।